दोस्तों आज हम राई के खेत में चलेंगे और खेती किस तरह किया जाता है किसी किसी किसानों से हम बात करेंगे और किसान के पास हम लेके चलते हैं। लग रहा है राई खेत में कोई कोई किसान लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जरा उनसे जाके हम मिलेंगे। दोस्तों राई खेत में पहुंच चुके हैं और किसान लोग राई खेत में लगा हुआ है और उन लोग से पूछते हैं राई खेती से फायदा है कि नुकसान है। एक किसान भाई मिले हैं, जरा उनसे पूछते हैं किसान भाई सरसों की खेती होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना धरती के किसान किसान के मिट्टी में ना के फसल होना चाहिए, सरसों होना चाहिए ना? हाँ, सरसों के तेल बहुत महंगा है ना? हाँ। एक मैडम जी मिले हैं, अरे मैडम जी के बेटी मिली है, हम दोनों से आज बात करेंगे। आप बताइए मैडम जी सरसों के खेती के बारे में। सरसों के खेती तो ठीक है, सरसों के तेल बहुत महंगी है, आखिर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा ना, आपको यही कहना है? सरसों के तेल तो बहुत महंगा हो गया है। अच्छा ठीक है, हम अब उसे आपके बेटी से हम बात करते हैं। मैडम जी आप बताइए सरसों की खेती क्यों किया जाता है, इतना महंगा क्यों हो गया है, बताइए आप? सरसों की खेती करना तो ज़रूरी है, आखिर क्यों? तेल इतना महंगा हो गया कि खाने में आदमी क्या करे। अच्छा, तो सरसों की खेती अब हम ही अपने करते हैं, खेत में लगाते हैं तो कुछ तो सस्ता होगी दुकान में। अच्छा सरसों आप बहुत अच्छा किए हैं, किस तरह किए थे बता सकते हैं आप? क्या इसको रोप दिए, कोड़ाई किए, खाद पानी सब डाले। अच्छा ठीक है, सरसों तो ठीक है। देख रहे हैं दूसरे खेती में आए हैं, बच्चे लोग बहुत से आए हैं, जरा इनसे मिलते हैं। का बच्ची आप ही का खेत है? हाँ मेरा ही खेत है। अरे आपका पापा खेती किया है कि बटैया लगाए हैं? अपना खेत है। अपना खेत है, इससे नुकसान है कि फायदा है? इसमें सबसे अच्छा है, नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है। अच्छा ठीक। अरे एक बच्ची यार मिली है, अगले बिलियन भी मिली थी, बताइए सर ऊपर कीजिए, आप बहुत शर्माती हैं। बताइए कि सरसों खेती करने से नुकसान है कि फायदा है? फायदा है। सरसों खेती होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, क्योंकि तेल बहुत महंगा हो गया है। तो महंगा करने वाला कौन है? सरकार है। सरकार हर चीज पर ध्यान देता है लेकिन किसान पर ध्यान नहीं देता है। हाँ। पेट्रोल मोबाइल का ध्यान है कि पूरा बढ़ा देता है और हम लोग का खाने वाला चीज भी बढ़ा देता है। अच्छा बच्ची आपका सरसों का खेती है, बताइए आप? नहीं ये मेरा खेत नहीं है, हम अपनी सहेली के साथ में आए हैं। अच्छा आपके पापा करते हैं खेती सरसों का? हाँ करते हैं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगले साल तो नहीं हुआ था इसीलिए बहुत महंगी हो गई ने? हाँ। लेकिन सरकार इस पर थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ, उसको हाथ पर पकड़ता हूँ कि हम लोग किसानों वाला चीज़ थोड़ा बाहर से जितना दाल दलहन आता है उसे सस्ता करें और पेट्रोल और मोबिल का भी रेट गिरावें, क्योंकि हम लोग के बहुत दिक्कत हो रही है। तो सरस्वती पूजा के टाइम है इसीलिए मैंने कुछ पूजा किया हूँ, प्रसादी लाया हूँ आज किसान भाइयों लोग के सबके हम देंगे आप लोग के सामने। दोस्तों सरस्वती पूजा के बारे में जो पूजा हम किए थे, प्रसादी देने के लिए आए हैं किसान भाइयों के, दे रहे हैं, लीजिए बच्ची, लीजिए आइए, आप लीजिए मैडम जी, आप भी लीजिए, पूजा है प्रसादी है, कोई टेंशन नहीं है। मैडम जी लीजिए आपको खिला देते हैं। हाँ हाँ शाम दीजा ले, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, आप भी खा लो, लो लो आप लीजिए, लो किसान भाई आपको दो देते हैं, खाइए खा लो बच्ची खा लो, खुश रहो, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। दोस्तों मेरे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। किसान चाचा के साथ हम मिले हैं और जय झारखंड, जय किसान, जय जवान, जय जवान।